चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे हाथी बाबू। सो गाइस, मेरे आज के शूट की दो दो हीरो हैं, समझ रहे हो? और जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे कदम संगे मरमर के फर्श पर पड़ने से पहले एक नौकर मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल देगा। राजकुमार वाला सिल्क का गाउन पहनकर जब मैं बाहर निकलूंगा तो दूसरा नौकर जूस का ग्लास लेकर खड़ा होगा। You want sandal? Yes. खुद पहन लेना, ठीक है? टाटा। क्या यार, आप लोग मुझे बोलते हो 24 आवर सेलिब्रिटी बन के रहो और यार मेरे नौकर भी मुझे भाव नहीं देते, कैसे सेलिब्रिटी बनूं मैं? बट फिर भी आप मुझे रिक्वेस्ट करो, मेरे प्यारे नील हर्ट्स मुझे रिक्वेस्ट करें और वो मैं ना करूं, ये कभी हो सकता है नहीं ना? तो इसलिए मैं आज आप सबकी रिक्वेस्ट से करने वाली हूँ 24 आवर सेलिब्रिटी चैलेंज, जहाँ पे मैं 24 आवर्स के लिए गरीबों का सेलिब्रिटी बनने वाली हूँ, ठीक है? और गाइज, अभी कोरोना के लिए ज़्यादा इंतज़ाम शायद नहीं कर पाएंगे, बट मैं मेरी 100% कोशिश करूँगी जितना भी कर पाऊँ, ठीक है? एंड या आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी ओवर एक्टिंग मैं क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, बट चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। एंड गाइज, अगर आपको ये गरीबों वाली सेलिब्रिटी वाला वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है यार, बस एक लाइक कर दो। मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है, आपको फ्री में लाइक कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो एक लाइक तो कर ही दो, ठीक है? टारगेट करते हैं 1 लाख लाइक्स के। गाइस, मुझे ना रात भर जाग जाग के एडिटिंग करना पड़ता है, कंप्यूटर के सामने रहना पड़ता है, तो इसके लिए ना मुझे डार्क सर्कल हो जाती है, जो कि अभी के दिनों में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। हर किसी को डार्क सर्कल, अंडर आई पफिनेस का प्रॉब्लम तो होता ही है, बट लास्ट 15 डेज से मैं एक न्यू चीज ट्राई कर रही हूँ, जो कि है द मॉम्स को की नेचुरल वाइटा रिच अंडर आई क्रीम विद कॉफी ऑयल एंड विटामिन ई। गाइस, इसकी पैकेजिंग में एक मेटल रोलर आता है जो बहुत ज्यादा कूलिंग है एंड ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आई एरिया को एक्सट्रीमली रिलैक्स करता है। गाइस, मॉम्स को की अंडर आई क्रीम 100% नेचुरल है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिएटेड है एंड साथ ही में फुली टॉक्सिन फ्री भी है। एंड गाइस, ये पेटा सर्टिफाइड है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी। इसके अंदर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कॉफी ऑयल, चिया सीड एंड विटामिन ई, जो कि हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। एंड गाइस, द मॉम्स को अंडर आई क्रीम इज नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स एंड इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सल्फेट एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होता है। सो गाइस, मैंने इसको जस्ट लास्ट 2 वीक्स, मतलब 14-15 डेज से यूज किया है एंड मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको भी डार्क सर्कल, पफिनेस की कोई भी प्रॉब्लम है, देन जरूर आप इसको ट्राई करके देखना। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो जल्दी से शॉपिंग कर लो एंड मेरा कोड नील15 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, एक्स्ट्रा 15% ऑफ के लिए। गाइस, अभी सुबह सुबह उठने के बाद मुझे कितना ज्यादा भूख लगता है वो आप तो जानते हो, है ना? बट गाइस, क्या बताऊं यार, सेलिब्रिटी लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता है, इतना ज्यादा पैसा होता है, और वो लोग सुबह सुबह घास फूस खाते हैं यार, ये सब खाते हैं, सोचो कभी आप खा सकते हो? नहीं ना। बट आज मैं सेलिब्रिटी बनी हूँ, इसके लिए आज मुझे ये सब खाना पड़ेगा, मतलब इसको देख के ही मुझे लग रहा है कैसे खाऊं। तो चलो ठीक है, कोई नहीं गाइस, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काश मेरे पास इतने पैसे होते यार, मैं तो हर रोज सुबह उठ के पिज्जा बर्गर मंगवा के खाती, बट कोई बात नहीं, खाते हैं चलो। अगर आप सेलिब्रिटी बन गए कभी भी गलती से, समझ लो कि आपकी जिंदगी झंड हो गई गाइस, क्योंकि ये सब अगर आपको सुबह सुबह खाना पड़े ना, आपका मूड खराब हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा यार। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्या कराते हैं लोग ये सब?
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गरीबों वाली सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है? मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, तो इसलिए मैं खाने की चीजों के साथ ही स्किन केयर करना पसंद करती हूँ। तो ये ले लिया मैंने दो दो खीरा, एंड हाँ अभी मैं करने जा रही हूँ मेरी स्किन केयर। यार गिर क्यों जाता है, यार गिर क्यों जाता है, रुक जा। A few moments later. अरे यार मैं तो ढिंचैक पूजा से बिल्कुल कैटरीना कैफ बन गई है। क्या गरीबों वाला यार, हमेशा गरीबों वाला मत बताओ यार, मुझे दुख होता है, बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर आपको अच्छा लगा है ये वाला टिप तो लाइक करो। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। हाई, मुझे ना बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी जैसा, मॉडल जैसा कुछ ड्रेसेस देखना है, तो आप दिखा दीजिए। सो गाइस, शॉप के अंदर जाते ही ना मुझे लगा कि मैं कोई डिजाइनर ड्रेसेस के समंदर के अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेसेस हैं, लहंगाज हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। और इतना ज्यादा वैरायटी का कलेक्शन है ना, आपको लगेगा कि ये कलेक्शन कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और साथ में सारे के सारे डिफरेंट और बहुत ज्यादा वैरायटी का है। मेरा तो मन कर रहा था मैं सारा का सारा खरीद लूं यार। तो इतना सारा कलेक्शन देखने के बाद किसको मन नहीं करेगा 100-150 ट्रायल्स करने का। तो मैंने यहाँ पे कुछ गाउन्स और कुछ लहंगास का ट्रायल किया है, एंड यार क्या ही बताऊं, कितने सुंदर कितने प्यारे वाले ड्रेसेस थे यार। मुझे तो सारा का सारा इतना पसंद आया ना, क्या ही बताऊं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपका कोई भी स्पेशल ओकेशन हो, आप यहाँ से ना एकदम आंख बंद करके शॉपिंग कर लो, 100% गारंटी है कि लोग आपको पूछेंगे कि आपने आपका ड्रेस कहाँ से लिया यार। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ना यहाँ से शॉपिंग करते हैं, डिजाइनर ड्रेसेस का, गाउन्स का, लहंगास का, इवन आपको यहाँ पे साड़ीज भी मिल जाती है। आप शॉप पे जाओगे ना, कलेक्शन देख के आपको चक्कर आ जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा वाला कलेक्शन है। एंड यहाँ पे जितने भी लहंगास हैं, गाउन्स हैं, सारे के सारे में हैंडवर्क किया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात है, आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी कंजूस मक्खी जूस लड़की हूँ, तो यहाँ पे ना आपको जिस प्राइस में गाउन्स लहंगास मिल जाएंगे, मार्केट में आप जहाँ पे भी ढूंढ लो, कहीं पे भी इतनी खूबसूरत पीसेस इतनी सी प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आप शॉप में चले जाओ, एंड आपको जितना शॉपिंग करना है शॉपिंग कर लो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ही एक सेलिब्रिटी में बदल चुकी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बट एक बात बताऊं, चाहे मैं कितना कोशिश कर लूं यार, मैं तो मैं ही लगने वाली हूँ ना, मैं कोई सेलिब्रिटी की तरह तो नहीं लगने वाली हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इतना घटिया ब्रेकफास्ट किया है, जिंदगी में सबसे घटिया ब्रेकफास्ट शायद आज ही किया था। अगर मेरे पास सेलिब्रिटीज जितना पैसा होता तो हर रोज मैं क्या खाती, पिज्जा एंड बर्गर। तो चलो यार, लंच में मैं खाने वाली हूँ इतना बड़ा पिज्जा, जो कि मैं फुल फुल खुद खा जाऊंगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं। यार यार कोई मुझे कभी फोन नहीं करता, मैसेज नहीं करता, जब मैं शूट करती हूँ तभी सबको मेरी याद आती है। क्यों क्यों? ओ अच्छा, मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ ना, इसलिए इतना सारा मैसेजेस कॉल सब कुछ आ रहे हैं। गाइस ओप्पो नहीं है, ये वीवो है। क्या करूँ गाइस, क्या करूँ, मेरे कोई फीलिंग नहीं है। क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे कोई फीलिंग नहीं है। सबका फोन आईफोन, मेरा फोन ऐसे वीवो फोन, यार क्या कर रहे हो, मुझे एक आईफोन गिफ्ट कर दो। ओह माय गॉड, दिख रहा है, साइज देख रहे हो आप, कितना बड़ा है यार, लिटरली मेरे फेस से भी बड़ा है ये वाला पिज्जा। ओ यार कितना ज्यादा यम्मी है, और आपको तो पता ही है कि मुझे चीज बर्स्ट पिज्जा कितना पसंद है, तो यार मैं खाती हूँ जल्दी से। इट्स सो सॉफ्ट, माय गॉड, अभी मुझे मजा आया सेलिब्रिटी बनने का यार। थोड़ा बर्गर भी खा लेते हैं यार। सही में कितनी बड़ी वाली बुक्कड़ सेलिब्रिटी हूँ मैं।
सो गाइस, आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ मेरी शूट पे. एंड यार क्या यार, मुंह पे क्यों सैनिटाइज कर रहे हो? मेरा मुंह क्यों सैनिटाइज कर रहे हो? तो मेरे साथ मेरा एक घटिया असिस्टेंट है जो कि यार जिसको कुछ आता नहीं है, मुंह सैनिटाइज कर रहा है मेरा यार बैठ बैठ के कुछ भी. तो गाइस चलो हम लोग चलते हैं, जल्दी से शूट करते हैं. और यहाँ पे मेरे इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस हैं, मैं क्या बताऊँ मैं आपको. समझ रहे हो? मतलब मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ यार, लोगों को तो इंसान हीरो मिलता है और मुझे तो दो दो जिराफ हीरो मिल गया. स्पॉट बॉय, कोल्ड ड्रिंक प्लीज. यस मैम. जल्दी से. ओके मैम. गाइज यार बोलो, दो दो हीरो के साथ शूट करके कौन ज़्यादा थकने जाएगा यार, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है. तो मैं थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ. और पता नहीं यार मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हूँ, शायद ही कोई भी सेलिब्रिटी मेरी तरह ओवर एक्टिंग करता होगा. बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करती हूँ. गाइज मेकअप मैन आ जाओ, मेकअप करवाओ मुझे, जल्दी से टचअप करवाओ. हाँ जल्दी. अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मार क्यों रहे हो यार? मैम टच, मैम टच. टच ऐसे टच नहीं करते, टच ऐसे नहीं करते. मैम प्लीज प्लीज धीरे, पैसा नहीं दूंगी नहीं तो. हो गया मैम, गुड फन मैम, मैम वेरी गुड. ऐसा मेकअप मैन ना किसी को ना मिले यार. मतलब यहाँ पे सच्ची में मुझे दर्द हो गया, इतना जोर से किया उसने. A few moments later. So guys, ये रहा मेरे फिल्म का थर्ड हीरो जो कि है हाथी मेरा साथी. Oh my God, कितना ज्यादा क्यूट नहीं है ये हाथी. और ये देखो मेरे हाथी का दांत, कितना ज्यादा ही क्यूट है यार. और आपको पता है ना Music. हाथी के दिखाने के दांत और चबाने के दांत अलग होते हैं. तो ये देख के आपको लग सकता है कि ये हाथी बहुत ही ज्यादा डरावना है, बट नहीं यार, ये हाथी बहुत ही ज्यादा क्यूट है. और मैं एक काम और कर सकती हूँ, पता है ये हाथी ना, हाथी इतना अच्छा है कि अगर मैं इसके ऊपर चर के ऐसे स्लीप भी करूंगी कुछ भी बोलेगा नहीं. मैं करूँ क्या यार, सेलिब्रिटी लोग ये सब करते हैं. क्योंकि इसका जो सीरी है ऑलमोस्ट गिर जाने के टाइप का है. देखो कभी भी ये टूट सकता है यार. सो गाइस आप देख सकते हो मेरे हाथी के ऊपर मैं चढ़ के बैठ गई हूँ, बट मेरा हाथी इतना अच्छा है कुछ भी नहीं बोलता यार. मतलब सच्ची में यहाँ से बिल्कुल आप ऐसे स्लिप कर जाओगे, बट मुझे और नहीं करना क्योंकि यार मेरा सेलिब्रिटी वाला ड्रेस खराब हो जाएगा यार, मैं ये से नहीं कर सकती. अरे पकड़ो, क्या करते हो? गरीबों का सेलिब्रिटी हो इसलिए मेरा कोई वो नहीं है. क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है. क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे हाथी बाबू. सो गाइस ये रहा वो जगह जिसको हम गरीबों का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, क्योंकि हमारा बजट कम है इसलिए हम स्विट्जरलैंड तो जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम गरीबों का स्विट्जरलैंड से आ गए हैं. एंड यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि मेरा फोटोग्राफर कितना अच्छा फोटो शूट कर रहा है यार, और मैं कितनी अच्छी वाली पोजेस दे रही हूँ. मेरा फोटोग्राफर तो लेट लेट के बैठ बैठ के मुंह के अंदर कैमरा घुसा के पिक्चर्स ले रहा है.
Eventually. तो अभी मैं सीधा सो जाने वाली हूँ क्योंकि मुझ में और ज्यादा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है यार। और आप क्या कर रहे हो यार? अगर आपने ये वीडियो देखा है अभी तक और आपको इतना सा भी पसंद आया है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर दो, क्योंकि आप बिल्कुल मुफ्त 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 फ्री में लाइक कर सकते हो यार। तो टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक्स के। कर दोगे ना? आई नो कि आप कर सकते हो। तो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में बताओ कौन सा वीडियो बनाऊं यार, तुम्हें इतना चुल क्यों मचता है मेरा वीडियो ऑफ करने का। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है यार, बिल्कुल मुफ्त है, कर दो, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अभी ऑफ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, चलो कर दो।